मैं ऋषिकांत सिंह यहाँ पे बनारसी कचहरी में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हूँ, विधि व्यवसाय का कार्य करता हूँ। आज किन बातों को लेकर विरोध? आज भी हम लोग माननीय रविशंकर प्रसाद जो भारत के कानून मंत्री हैं उनका पुतला दहन किया। जो 30,000 कोर्ट में घटना हुई है उस घटना के संदर्भ में सरकार की तरफ से न कोई, दोनों पक्षों की तरफ से न कोई लेख आया है, न कोई बात किया गया है, न कोई टिप्पणी की गई है। हम लोग इसी के विरोध में है कि हम लोग एक लॉयर हैं, एक वकील हैं और हमारे जो कानून मंत्री हैं वो भी एक वकालत पेशे से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्होंने वकीलों के पक्ष में कोई दलील नहीं दी और ना सामने आ रहे हैं। और हम लोग आज SSP के यहाँ अपने वरिष्ठ अधिवक्ता परमानंद पांडे के थ्रू रूबिलिका लियाकत जो ABP न्यूज की एंकर हैं उनके खिलाफ हम लोगों ने SSP महोदय को एक एप्लीकेशन दिया है और उसमें लिखा है उनके खिलाफ केस करने के लिए मुकदमा दर्ज करने की अपील की। उनका क्या कसूर ये है कि उनके चैनल पे जो उनका सीधा सवाल आता है और मास्टर स्ट्रोक में उनके जुबान से भी और चैनल से काले कोट को गुंडागर्दी का आरोप दिया जा रहा है कि काले कोट वाले गुंडे होते हैं। काले कोट जज भी उपयोग करते हैं, हमारा बेंच भी उपयोग करता है, बार भी उपयोग करता है, तो काले कोट को कह के उन्होंने दोनों की छवि को गर्मा को बंद किया है। माननीय हाई कोर्ट उच्च न्यायालय दिल्ली का आदेश को भी उन्होंने गलत किया है, जिसका हम सख्त रूप से विरोध करते हैं। क्या किया आज आप लोगों ने? आज हम लोगों ने रविशंकर प्रसाद जी का पुतला दहन किया है, जो हमारा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज 8 नवंबर को हड़ताल था, उसी के चक्कर में हम लोग आज यहाँ पुतला दहन रविशंकर प्रसाद जी। आगे की रणनीति, अगर इस बात पर अगर सरकार हम लोग का साथ नहीं देती है तो बहुत ज़्यादा हम लोग उग्र भी हो सकते हैं, लेकिन शांति रूप से करेंगे हर चीज़ हड़ताल, क्योंकि हम अपना साहस और अपनी क्षमता को बेवजह बर्बाद नहीं करेंगे, अब बिना दिखाए नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विरोध कर रहे थे आप लोग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुर्दाबाद कह रहे थे, पर्टिकुलर एक चैनल की आप बात कर रहे हैं, तो कितना जायज मानते हैं कि पूरी की पूरी बिरादरी को आप विरोध कर रहे हैं? जी, हम पूरी बिरादरी को नहीं कर रहे हैं। पहली बात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ मीडिया ऐसे भी हैं जैसे आप बंधु हैं जो काफ़ी अच्छी चीज़ें भी दिखाती हैं, दोनों तरफ के पक्षों की बातें दिखाती हैं। मतलब अगर पुलिस ने किया तो आप पुलिस को भी दिखाओ ना, आप क्यों केवल अधिवक्ताओं के ऊपर आ रहे हो, काले कोट के ऊपर आ रहे हो? एक पक्ष को दिखाना उचित नहीं है, दोनों पक्षों की बातों को रखी जाए तो अच्छा माना।